Welcome to the live transmission from CIT. Myself Jaya Singh, working in the Department of Social Sciences at NCERT. Namaskar, mera naam Mandeep Kumar hai. Main PGT Economics hoon, Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya B1 Basant Kunj mein. Thank you. Aap जैसे जानते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस आ रहा है, हम कैसे उस एग्जामिनेशन को आंसर करें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले, ये सबकी चिंता रहती है. तो इस चिंता को एड्रेस करने के लिए हमने एक विषय लिया है, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स आंसर शीट. कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कैसे आंसर देना है, और क्या कारण है बच्चों के मार्क्स कटते हैं, क्या कारण हो सकता है किसी बच्चे को अच्छे नंबर आ जाते हैं. तो इन सभी फैक्टर्स को हमने आज स्टडी किया है. इस स्टडी के तहत आप जान जाएंगे कि एग्ज़ामिनेशन की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनदीप सर से, हम लोगों ने कैसे स्टडी को किया है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे. इकोनॉमिक्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है. आप सब जानते हैं कि सभी विद्यार्थी इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो. इतनी भिन्नता होने के कारण, इतने बच्चों द्वारा ये विषय चयन किए जाने के कारण, अब हम देख रहे हैं कि परीक्षा परिणाम उतना बेहतर नहीं आया कुछ बार. हम उसको और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ स्कूलों के अंदर क्वालिटी एनालिसिस किया और ये पाया. ये कुछ स्कूल 772 के लगभग थे, अराउंड 800 स्कूल्स. हाँ, लगभग 800 स्कूलों में यह जानने के लिए कि इकोनॉमिक्स का रिजल्ट कैसा रहता है, हमने वहाँ का क्वालिटी इंडेक्स की एनालिसिस किया. इसको हम स्क्रीन पे भी देखेंगे. ये हमारी हमने क्वालिटी इंडेक्स बनाया है, इसको देखेंगे. हाँ बताइए इसमें. क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ. क्वालिटी इंडेक्स है एक स्कूल के सभी बच्चों के औसत अंक. उसको हमने यहाँ पर पाई डायग्राम से दिखाया है. आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 क्वालिटी इंडेक्स से अधिक वाला केवल एक ही स्कूल है, जो सैंपल हमारे पास है, 800 स्कूल है लगभग, और 80 से अधिक क्वालिटी इंडेक्स वाले 11 स्कूल हैं. लेकिन ये जिस वजह से हमने ये स्टडी करी, उसका कारण वो स्कूल हैं जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, जो लगभग एक चौथाई है. उनका जो औसत अंक है यानी क्वालिटी इंडेक्स है, वो 50 से भी कम था. तो हम यहाँ पर यह जानना चाहते थे कि बच्चों के अंक कम क्यों आ रहे हैं और कैसे हम उसको और बेहतर कर सकें. तो ये जो हमने स्टडी किया है बेसिकली लो स्कोरर्स का है, और हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ एरर कमिटेड बाय द स्टूडेंट. फिर दूसरा है हमारा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेट द स्टूडेंट स्कोर लो इन द एग्जामिनेशन, एंड हाउ आर द आंसर शीट एनालाइज्ड, और लास्ट में हम आपको सजेशंस देंगे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर्स. इससे पहले मैं दो क्वेश्चन लेना चाहूँगी जो व्यूअर्स ने हमें दिए हैं. एक है, हाउ डू वी मेमोराइज इकोनॉमिक्स इफेक्टिवली. आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन, ये जो आपने सवाल किया है, इसमें मैं कहूँगी नेवर गो फॉर रोट मेमोराइजेशन, ऑलवेज गो फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी हैव कम अप विद डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चंस वेयर व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू सो. So never memorize economics, try to understand it. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है, how to score well in CBSE class. ये आप हमारा, आप ये शो देखेंगे, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा. तो हमने ऑब्जेक्टिव बता दी. अब मैं बताना चाहूँगी कि हमने ये जो CBSE से मंगाया सैम्पल पेपर्स, ये 200 के लगभग थे. 200 है. हाँ, इसको फिर हमने कैसे प्रोसेस किया बताइए. इस स्टडी के लिए हमने CBSE से जो लाखों पेपर थे, उनमें से रैंडमली 200 आंसर शीट्स जो 2018 में बच्चों ने इकोनॉमिक्स में दिए थे, उनका चयन किया है. उसके ऊपर हमने उस सैंपल के अंदर अपने स्टडी करी है. और ये सैंपल जो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक तो बहुत बड़े उसमें से लिया गया है, और ये टारगेट स्पेसिफिक है, रैंडमली सेलेक्टेड है. इसके अंदर सरकारी और प्राइवेट स्कूल सर दोनों ही तरह के बच्चे हैं. और ये जो सैंपल है, इसके स्क्यूड है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने लो स्कोरर्स को लिया है. और लो स्कोरर, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही जानना था कि बच्चे अंक क्यों प्राप्त कर रहे हैं और हम उसको कैसे और बेहतर कर सकें और हमारे सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकें.
तो ये बेसिकली हमने लो स्कोरर का लिया है, मतलब जिन बच्चों को कम नंबर आए हैं, ऐसे 200 बच्चों का हमने आंसर शीट मंगाया है और इसको एनालिसिस करने की हमने चेष्टा की है। और इस हमारे सैम्पल साइज में, जैसा मंदीप जी ने बताया, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों हैं और लड़के लड़कियां दोनों हैं, और इसका हमने एनालिसिस किया है। फिर आप बताएंगे हमारे एनालिसिस का मेथड क्या था, हमने क्या क्या टूल्स यूज किए हैं इसमें। मैं आपको बता दूं, ये जो एनालिसिस है इसके अंदर 200 आंसर शीट्स को हमने क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से एनालिसिस किया, और इस ऑब्जर्वेशन को एक स्पेशली डाटा शीट क्रिएट करी जिसके अंदर उन सारी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया। उस रिकॉर्ड को फिर हमने विभिन्न स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके एनालिसिस किया, जिसके अंदर हमने बेसिकली मीन, मीन कोरिलेशन, रिलेटिव एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस और वेरियस स्टाटास में बांट के उसका एनालिसिस किया। तो हमने मीन इसलिए यूज किया है क्योंकि हम औसत मार्क्स देखना चाहते थे, औसतन देखना चाहते थे, और कोरिलेशन वगैरह हमने यूज किया कि दो वेरिएबल्स में देखें कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इनके मार्क्स को। फिर हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया, इस पर थोड़ा लाइट डालें। हाँ, मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिकल टूल्स के अंदर जो रिग्रेशन एनालिसिस है, ये कोरिलेशन से का एक एडवांस स्टेज हो गया एक तरह से। कोरिलेशन केवल बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वहीं पर रिग्रेशन एनालिसिस हमें बताता है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कि एक वेरिएबल में चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, उसका क्या कारण है या नहीं है। वो केवल डायरेक्शन नहीं, वो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस भी करता है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, सो यू कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इसको हमने क्वेश्चन वाइज भी एनालिसिस की है। हाँ, मैं आपको इसमें बताऊं, हमने जो एनालिसिस किया उसको वेरियस डाइमेंशंस में बांटा है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन वाइज एनालिसिस किया, उसके बाद हमने सेट वाइज भी एनालिसिस किया, फिर उसके बाद यूनिट वाइज कि कौन सी यूनिट में कितना बेहतर परफॉर्म किया है, कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें और बेहतर करने की अभी गुंजाइश है, उसके बाद हमने डोमेन वाइज एनालिसिस किया, और इसको गहन करने के लिए हमने इसके अंदर यह भी देखा कि क्या भाषा कहीं प्रभावित करती है इकोनॉमिक्स के रिजल्ट को। कहीं आपको भाषा में डिफिकल्टी है तो ऐसा तो नहीं है इकोनॉमिक्स के रिजल्ट कम आ रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें भी देखी कि कोई बच्चा सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हैं उसके अधिक अंक आते हैं, या रैंडमली करते हैं उसके अधिक अंक आते हैं। इसके अलावा हमने सारे जो स्कोर्स बच्चों ने किए थे उसका भी क्लासिफिकेशन करके उनको भी आपस में कोरिलेशन और रिग्रेशन मेथड या बार डायग्राम्स इनके द्वारा एनालिसिस किया, यह जानने के लिए, यह तय तक पहुँचने के लिए कि कैसे हम बच्चों के रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हैं और कहाँ वो कठिनाइयाँ फेस करते हैं। तो इसमें हमने सारे टॉपिक्स लिए हैं। इकोनॉमिक्स में मैं बता दूं, दो बुक्स हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों बुक्स में 9 यूनिट्स हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें, बच्चों को किस तरह का नंबर आया है ये भी हम इसमें बताएंगे। तो हम मार्क्स कोड इन इकोनॉमिक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे इसमें स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि लेस देन 5 भी बच्चे बच्चों ने पाया है, 5 to 10 75% बच्चों ने पाया है, सॉरी 37% बच्चों ने 5 to 10 के बीच में नंबर पाया है, 10 to 15 36% बच्चों ने पाया है। तो हम देख रहे हैं बहुत कम बच्चों का नंबर है इसका। आप इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। जो इस स्टडी का मुख्य उद्देश्य है वो यही टारगेट ग्रुप है जो हमारे बच्चे 10 से लेके और 20 के बीच में जो बच्चे हैं, कि वो जो एक बड़ा स्लॉट है उसको कैसे हम और अंक बेहतर पास करा के और इकोनॉमिक्स के रिजल्ट को और बेटर बना सकें। तो ये लगभग हम देखें, इसमें आपने जो भी पाई चार्ट दिखाया है उसके अंदर कि लगभग 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 से लेके 15 के बीच में है। इनको इनके अंक सुधारने के लिए हम उन विषय को ढूंढना चाहते हैं, उन कारणों को ढूंढना चाहते हैं जिससे इनका परिणाम और बेहतर किया जा सके। हाँ जी,
ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारा स्लाइड है क्वेश्चन टाइप्स, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा, आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, क्वेश्चन चार तरह के मुख्यतः आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन होता है, दो तीन नंबर, तीन मार्क्स का क्वेश्चन होता है, चार मार्क्स का क्वेश्चन होता है, छः मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो हम अभी इस डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा नंबर आता है और किस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को कम नंबर आता है। हाँ बताइए। चारों तरह के क्वेश्चंस को हमने इक्वली वेटेज देते हुए बराबर किया और आप पाएंगे कि जो छोटे क्वेश्चंस हैं, जो एक नंबर और तीन नंबर के उत्तर वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसमें हमारे बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है, सबसे बेहतर। इसको हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं क्योंकि हमने डायग्राम बनाया है। हाँ, आप देखेंगे जो यहाँ पर हमने अलग अलग जो हमारी दो किताबें हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनको भी अलग अलग दिखाया गया है। जो एक अंक में नीले रंग से दिखाया गया है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंक हैं और जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं। तो लगभग एक अंक में सभी बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है बाकियों के मुकाबले। तीन अंक के जो हमारे प्रश्न हैं उसमें भी मुकाबले, जो हमारे चार और छः जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके मुकाबले एक और तीन में बेहतर किया गया है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है चार और छः, जहाँ पर औसत अंक 10% से भी कम है। इसका और इसका कारण क्या है, इसका कारण खोजने की भी कोशिश की गई, जो शायद आगे हम बात करेंगे कि जो बच्चे हैं वो प्रोसेस और कॉन्सेप्ट को लेकर उनके अंदर डिफ़िकल्टीज हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। छोटे अंकों में के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ नॉलेज ही चेक होती है, सीधा जवाब होता है, तो उसको वो बच्चे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं जब पूछती हूँ बच्चों से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पसंद है या मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमेशा कहेंगे मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स पसंद है। लेकिन जब यहाँ पे मार्क्स हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं ऑन एवरेज मैक्रो इकोनॉमिक्स का मार्क्स ज़्यादा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नंबर कम है। तो ऐसा क्यों है, ये भी शायद हमारे एनालिसिस में हमें एनालिसिस करते वक्त हमें उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट, हम यूनिट वाइज मार्क्स कैसे कैसे मिला है ये हम जानना चाहेंगे। मैं बता दूं पहले, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मिलाकर 9 चैप्टर्स हैं, 9 यूनिट्स हैं, मुख्यतः 9 यूनिट्स हैं। पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप देख रहे होंगे स्लाइड्स में आप देखेंगे बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर आया है, फॉलोड बाई कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है, तीसरा हमारा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई है, चौथा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं, जिसमें पहले नेशनल इनकम पे चर्चा होती है, फॉलोड बाय मनी एंड बैंकिंग। सबसे टफ जिस चैप्टर जिसे बच्चे मानते हैं वो है इनकम डिटर्मिनेशन, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर आता है, लास्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन है। इन 9 यूनिट्स में आप बताएंगे कहाँ बच्चों ने सबसे ज़्यादा पाया है और कहाँ किस यूनिट में बच्चों ने कम पाया है। फिर हम एनालिसिस करेंगे क्यों बच्चों ने यहाँ पे ज़्यादा पाया है और क्यों कम पाया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक आम राय बनी हुई है कि राष्ट्रीय आय में परेशानियां होती हैं बच्चों को और अंक कम आते हैं, लेकिन जब हमने यूनिट वाइज एनालिसिस किया तो आप देख रहे हैं जो पहली यूनिट है उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसका पूरे पेपर में वेटेज बहुत कम है, केवल 4 अंक है इसके। और जो सबसे कम अंक आए हैं, अगर हम पहली किताब देखें और दूसरी किताब देखें, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के अंदर जो थर्ड यूनिट है प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर 7.58% मार्क्स स्कोर किए हैं, जो हम और बेहतर कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता यूनिट 9 भी है और यूनिट 7 भी है। हाँ, यूनिट 9 और 7 को लेकर तो पहले से पता है, जिसको बच्चे कहते रहते हैं कि हाँ इसमें डिफिकल्टी है। अगर आप बच्चों से बात भी करेंगे, ये मैं यहाँ बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये तीन ऐसे विषय हैं जिनके अंदर आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को लेकर काम करेंगे तो आप इनमें बहुत अच्छे अंक भी पा सकते हैं। तो इनके अंक बढ़ाने पर हमें जोर देना है और उसी के लिए हम कैसी ऐसी मेथड्स
डेवलप कर सके, इवेल्युएशन टूल डेवलप कर सके, सपोर्ट मटेरियल डेवलप कर सके, यही रिसर्च का उद्देश्य था। और ये बच्चों को भी बताना कि उन्हें अभी कहाँ पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो हम यूनिट वाइज देख रहे हैं तो 3 यूनिट्स मुख्य तौर पे इसमें निकल के आई हैं, जहाँ पर औसत अंक 10% से भी कम है, उसके अंदर यूनिट 3, यूनिट 7 एंड यूनिट 9। तो मेरे यहाँ पे एक सवाल आया था, हम कैसे नंबर ज़्यादा ला सकते हैं, तो इन यूनिट्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें। अब हम इस एनालिसिस करते वक्त डिस्कस करेंगे क्यों इन यूनिट्स में नंबर कम आते हैं और इन यूनिट्स को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं जानना चाहती हूँ क्या बच्चों को एक्सप्रेस करने में या भाषा संबंधी कुछ प्रॉब्लम है जिससे उनके नंबर कम आते हैं, या कोई कुछ और कारण है? आपने इसके लिए क्या स्टैटिस्टिकल टूल यूज किया है और इसका कैसे आपने एनालिसिस की है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने है। हाँ, जय जी, स्क्रीन पे ये एनालिसिस हम देख सकते हैं। हाँ, इसके अंदर हमने यह भी जानने की कोशिश करी, जनरली एक कहा जाता है कि आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अंक मिलेंगे, तो यह देखा कि दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश हमने इसमें किया गया है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट एंड मार्क्स स्कोर्ड, दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाला है। तो यहाँ टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 1 में आप देखेंगे उसके अंदर ये पियर्सन कोरिलेशन हमने ज्ञात किया, जो इसका जो रिजल्ट आया है वो 0.229 था और इसका सिग्निफिकेशन लेवल भी बहुत हाई था। तो आप सब तो 11वीं में कोरिलेशन पढ़ ही चुके हैं, तो ये दिखा रहा है दोनों के बीच में धनात्मक संबंध है, लेकिन जो संबंध है वो बहुत ही निम्न मात्रा का है, लो कोरिलेशन है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अगर नंबर बढ़ रहे हैं और तो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड ज्यादा है तो नंबर भी बढ़ेंगे, वो सह संबंध इसके अंदर नहीं पाया गया, जिससे पता चलता है कि केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही आपको अंक नहीं मिलेंगे, उसके अंदर कॉन्सेप्टली वो ठीक होना चाहिए, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज होनी चाहिए। उसी को हमने यूनिट वाइज भी एनालिसिस किया। अभी स्क्रीन पर देख रहे थे, स्क्रीन पर है उसको देखेंगे तो यहाँ पाएंगे हर क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट किया और उसमें कितने अंक पाए। तो आप देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट्स है। इसके अंदर लगभग सभी बच्चों ने 70-80% से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं क्वेश्चन 1 में लगभग 85% बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन सिर्फ 40% का आंसर सही हुआ है। दूसरा आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लगभग 75% बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन 10% ही आंसर सही हुआ है। और आपके एनालिसिस में ये भी आया है कि भाषा संबंधी प्रॉब्लम नहीं है, अगर भाषा का भी इसके बाद हमने नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे हमने उसका भी एनालिसिस किया। हाँ, तो इसके लिए हमने रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया जिसके अंदर हमने कॉज एंड इफेक्ट निकालना चाहा। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसी के ऊपर है। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, सारा क्वेश्चन को आंसर किया है, लेकिन उत्तर इनके सही नहीं हुए हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा और विचार करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 है, ये सारे क्वेश्चन आपको CBSE साइट पे मिल जाएंगे। ये 2018 के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की हमने एनालिसिस की है। तो कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बच्चों को बहुत कम अंक आए हैं, इन्होंने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है लेकिन ये सही अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एनालिसिस करेंगे। उसका कारण है, देखिए यहाँ हाँ, पर अभी हमने जो इससे पहले देखा था हाँ, तो हमारे जो 1 और 3 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें बच्चों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो जो ऊंची ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, जहाँ पर ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है, वो सारे वही क्वेश्चन है जो 1 और 3 नंबर के हैं। 1 और 3 नंबर के क्वेश्चंस बेसिकली रोट मेमोराइजेशन, मतलब सिंपल रिकॉल वाले हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, लेकिन जहां एप्लीकेशन और हॉट्स क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पे बच्चे शायद अच्छे से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।
ये कह सकते हैं इसके अंदर जो पूछा भी गया है ऐसा नहीं है केवल नॉलेज बेस्ड ही आते हैं, इसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ही विषय तक सीमित रहते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, अच्छा। किसी और चीज़ से नहीं जोड़ा जाता, तो बच्चे उसको कंफर्टेबली कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसके अंदर एप्लीकेशन पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ये भी जोड़ दिया जाता है, जिसमें कुछ बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं और इसलिए वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमने रिग्रेशन एनालिसिस पे निकाला है, ये बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या है बताएंगे? हाँ, ये इसके बाद जो हमने यह जानने के लिए कि क्या एक बच्चे की भाषा कुशलता और उसके इकोनॉमिक्स के अंकों में कोई संबंध है, क्या उसको लिखने में कठिनाई है, तो इसलिए हमने सभी आंसर शीट्स को डिटेल में स्टडी किया और ये उसके अंदर देखा कि भाषा की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके लिए क्राइटेरिया था कि वो लिख पा रहे हैं, तो ये पाया गया कि अगर उसने इकोनॉमिक्स के वर्ड्स को यूज़ किया है, इकोनॉमिक्स की प्रोसेस जो चेन इफेक्ट है उसको बताया है, तो वहाँ भाषा कठिनाई होने के बावजूद भी उसने अंक प्राप्त किए हैं। तो एक रिग्रेशन एनालिसिस हमने किया जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का एनालिसिस किया, आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो उसके अंदर मॉडल समरी दी गई है। मॉडल समरी यहाँ बता दें कि किसी भी मॉडल को जानने के लिए कि वो फिट कितना है, डिटरमिनेशन ऑफ फिटनेस इसको बोलते हैं, आर स्क्वायर से देखते हैं। आर स्क्वायर अगर की वैल्यू एक है तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है वो पूरी तरह सही है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लैंग्वेज प्रॉब्लम और डिपेंडेंट वेरिएबल है मार्क्स कोड, तो ये मॉडल जो है ये इतना फिट नहीं है। ये इससे हमारा ये रिजल्ट निकलता है कि केवल भाषा में डिफ़िकल्टी होने के कारण बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को ढूंढने के लिए ये स्टडी की गई है, तो वो अब धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। मंदीप जी, एक हमारे पास सवाल आई है कि मैं अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, आप लोग भी इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों में जैसे उत्तर देता हूँ तो मुझे अंक नहीं मिलते हैं, क्या कारण है? तो हम अपने स्लाइड्स और जो एनालिसिस की हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, शायद बच्चे को उत्तर मिल जाएंगी, या फिर समय बचेगा तो हम इसको और डिटेल में बता सकते हैं। हम यहाँ इसमें बता सकते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं, तो अभी हमने आपको बताया इसी स्लाइड में कि आपकी भाषा से आपके अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर अगर आप इकोनॉमिक्स के विषय से जुड़े रहेंगे, उसी टॉपिक के बारे में लिखेंगे, तो आपको अंक ज़रूर मिलेंगे, चाहे आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं चाहे इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो इकोनॉमिक्स के शब्द ज़रूर आने चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, कैसे उत्पादन किया जाए, तो आप उसके विषय में आपको ये दो शब्द यहाँ पर ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये तकनीक से संबंधित है, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन बच्चे उन दो शब्दों का नाम बताकर किसी एक फर्म का, किसी एक व्यक्ति का बताते रहते हैं, जिससे वो अपने 3 अंक के प्रश्न में 0 अंक पाते हैं। तो वो उन्होंने उत्तर जैसे हमने देखा अटेम्प्ट किया है लेकिन उत्तर इनका सही नहीं हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी की उपयोगिता होनी चाहिए, और दूसरा ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स की तरह देना चाहिए इनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेरियस डोमेन, जिसमें स्लाइड्स पे हमने 4 डोमेन दिखलाया है, नॉलेज डोमेन, अंडरस्टैंडिंग डोमेन, एप्लीकेशन डोमेन एंड हॉट्स। आप देख सकते हैं हॉट्स जब क्वेश्चन आया, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल इसमें बच्चों ने सबसे कम पाया है, और सबसे ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में पाया है, एप्लीकेशन में भी प्रतिशत कम हो गई हैं। अब हमें बताना है मदीप जी क्यों ऐसा होता है, बताइए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को, उन विद्यार्थियों को जो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जब आप चेन इफेक्ट्स को समझेंगे और कॉन्सेप्ट मैपिंग करके पढ़ाई करेंगे तो आपके अंक हमेशा बेहतर आएंगे। कुछ चीज़ों के बीच में अंतर स्पष्ट करना, उनको जोड़ना, जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा कि डिमांड है, डिमांड कर्व राइटली क्यों स्लोप है, तो उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से भी जोड़ें, उसे हम एवरेज रेवेन्यू से भी जोड़ें, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को हम कीमत के निर्धारण से भी जोड़ें। जब आप इस तरह से उसको पूरा जोड़ लेंगे तो आप प्रश्न को समझकर उसका सही जवाब दे पाएंगे, और अगर केवल ऐसे ही याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो आप जो हॉट्स क्वेश्चन है जो यहाँ दिखाए गए हैं, एप्लीकेशन जो है जिसमें कम अंक प्राप्त किए हैं, अंडरस्टैंडिंग में भी आप अपने अंकों को गवा देते हैं, उसमें इतना अच्छा बेहतर नहीं कर पाते, तो उसको समझने के लिए हम उन सब को जोड़ कर चलें,
सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ें, हॉट्स में करने का एक यही मूल मंत्र है, और कोई ऐसा कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे आप ज़्यादा अंक पाएंगे। फिर हम यूनिट वाइज डोमेन वाइज परसेंटेज मार्क्स स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे हमने देखा इंट्रोडक्टरी चैप्टर पे बच्चों को बच्चों ने अटेम्प्ट किया है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज क्वेश्चंस को, और इसमें बच्चों को नंबर भी सबसे ज़्यादा आया है। फिर हमने मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट में देखा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आई है, इसमें बच्चों ने मैक्सिमम स्कोर किया है। जबकि ये सब कुछ चैप्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, इसमें बच्चों ने नहीं स्कोर किया है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब यूनिट्स में बच्चों ने कम स्कोर किया है, ये हमारा ग्राफ भी बता रहा है। अब कारण बताएं इन सब यूनिट्स में बच्चों ने कम क्यों स्कोर किया है। देखिए, हमने पहले पाया था कि जो प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर बच्चों ने सबसे कम अंक पाए, तो उसका कारण है कि यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि हॉर्स का क्वेश्चन है वो उसी यूनिट से पूछा गया है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में, प्रोड्यूसर बिहेवियर से पूछा गया है। प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर जब हॉर्स का क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अंदर बच्चे उस प्रक्रिया को नहीं समझा पाए और इसके अंदर उनके अंक कम आए, जिससे पूरी इकाई के ही अंक कम हो गए। ऐसे अगर हम एक यूनिट में अंक कम हुए, दो यूनिट में अंक कम हुए, तो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक्स के मार्क्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। मंदीप जी, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, नेशनल इनकम चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं लेकिन नंबर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ने न्यूमेरिकल्स भी जो सॉल्व करना था वहाँ पे वो असफल रहा, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन को करते हैं, न्यूमेरिकल को बेहतर करने के लिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चे के को पहले फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, अगर वो डेप्रिशिएशन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू के बीच में कंफ्यूज है, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। और जब वो गलती करता है तो उसके अंक ज़ीरो हो जाते हैं। ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स में जब अंक मिलते हैं तो बहुत बेहतर मिलते हैं, और जब गलती होती है तो वो पहले ही स्टेप पर हो जाती है जहाँ वो छांट ही नहीं पाता कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो हमारा सजेशंस है बच्चों के लिए, चूँकि हमारे पास बहुत सारे सवाल इस तरह के आए हैं कि कैसे इनका रिजल्ट्स इम्प्रूव किया जाए। पहला है कि आप कॉन्सेप्ट मैप बनाएं, अर्थात एक टर्म लेकर उसको बताएं कि कहाँ कहाँ वो रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है। दूसरा, जब भी आप डायग्राम बनाएं उसे सही तौर तरीके से लेवल करें। अगर आप लेवल नहीं किए हैं और आपका डायग्राम सही है तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेवलिंग होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तीसरा है, आप चेन इफेक्ट्स को बताएं, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, देखिए, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं वो थ्योरी केवल परिणाम की बात नहीं करती, उसके अंदर हमारी जो एजम्पशंस हैं उसके बेसिस पर एक एजम्पशन चेंज होने पर सारी प्रक्रिया चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर चेन इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक 6 नंबर का अंक हर साल आता है जिसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है कि मांग बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। तो जनरली हमारे जो छात्र हैं वो, मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, वो लिख देते हैं उसके अंदर कि कीमत बढ़ गई। वो जवाब तो ठीक है लेकिन वो 6 अंक के अंदर बहुत कम है। वो चेन प्रक्रिया पूरी नहीं बताई कि उसकी वजह से अधिमांग की स्थिति हो गई, अधिमांग की स्थिति हो गई तो हमारे उपभोक्ताओं के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ेगा तो वो अधिक कीमत देने को तैयार है, कीमत बढ़ेगी, फिर कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, वो सारी जो एक प्रक्रिया है वो चेन इफेक्ट बताना ज़रूरी है, तभी वो पूरे अंक पाए। और 6 अंक वाले क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में डायग्राम्स की ज़रूरत है ज़रूर डायग्राम्स बनाएं। हाँ, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हाँ, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से CBSE में हेड एग्जामिनर भी रहा हूँ, एग्जामिनर भी रहा हूँ, अलग अलग काम किया है। हमारे यहाँ पर जब बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं उसको आंसर से रिलेट नहीं करते हैं, डायग्राम अलग होता है, आंसर अलग होता है, वो अलग पॉइंट्स में दिया होता है। तो जब भी उसकी सहायता से समझाने के लिए कहा गया है तो आप समझाएं कि देखिए ये लाइन यहाँ से इधर गई है, ये पॉइंट वो ए और बी का एक एक्सेस डिमांड हो गया है, तो उसको रिलेट करके बताएंगे तो आपका आंसर और भी बेहतर होगा। और जैसे ये चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसमें थ्योरी है,
डायग्राम्स हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, फिर जैसे फीचर्स ऑफ मार्केट है इसको भी आप समझ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पे है, इम्परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पे है, क्यों है, इसका एग्जांपल लेके समझेंगे तो शायद आप जब उत्तर लिखेंगे तो हॉट्स क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा जो कि मार्केट के फीचर्स हैं, जब पूछा जाता है इम्प्लीकेशन और बच्चे सिर्फ फीचर लिख देते हैं जिसकी वजह से वो अपने इतने अंक नहीं ला पाते, जैसे चार अंक का है उसमें इम्प्लीकेशन पूछा है और सिर्फ फीचर लिखने पर वो एक ही अंक पाते हैं, तीन नंबर नहीं मिल पाते हैं, तो हर जवाब में पहले इम्प्लीकेशन लिखें, बाद में उसे एक्सप्लेन करेंगे तो आप बेहतर अंक पाएंगे। और कुछ चैप्टर्स है जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे कैसे पड़ता है। यहाँ पर ना यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज पर इफेक्ट है या फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इफेक्ट है, ये दो अलग अलग हैं जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसका जवाब गलत दे देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे MRT, MRS, फ्लोर प्राइस, इन सब पे भी सेलिंग प्राइस, इन सब ये सब कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने स्क्रीन पे देखा है इन बच्चों को फुल मार्क्स आया है, क्यों फुल मार्क्स आपने इन बच्चों को दिया है? ये CBSE की साइट पे अवेलेबल है, मॉडल आंसर्स हैं जिसके अंदर बच्चों ने 100 अंक पाए हैं, वहाँ से लिया गया है। आप इसमें देखेंगे कि बच्चे ने जो डायग्राम बनाए हैं उसमें लेबलिंग की हुई है, अगर इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर डायग्राम से रिलेट करके उन्होंने जवाब लिखे हैं और लिखा है इन गिवन डायग्राम, आप ये जो जवाब है ये पूर्ण अंक पाए हैं इसने, और ये भी आंसर है जिसमें पूरे मार्क्स मिले हैं बच्चे को, और ये है डायग्राम जो कि लेवल्ड है। इस तरह से नीट और क्लीन डायग्राम्स बनाइएगा। तो इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको तीनों स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, और चूंकि ये पॉपुलर सब्जेक्ट है तो क्यों नहीं ऐसा आप पढ़ें, ऐसी मेहनत करें, आपको नंबर भी पूरे आएँ। इसके लिए आप डायग्राम नीटली बनाएं, उत्तर भी सही लिखें, उत्तर में आप इस चीज़ की का ध्यान दें, इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रहा है और उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन जब भी जैसे बड़े चार नंबर या छः नंबर के क्वेश्चंस आप देखते हैं उसमें दो मिनट रुककर रिफ्लेक्ट करें कि इसका उत्तर मैं किस तरह से लिखूँगा कि उत्तर सही होगा। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पूरे गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपको आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। मैं मदीप जी को ये जो आपने स्टडी किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं सारे CIT क्रू मेंबर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें आपके पास ला रहे हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं CIT जॉइंट डायरेक्टर को धन्यवाद देती हूँ, जो इन प्रोग्राम से जुड़े हैं, मैं इन सभी को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।